2018 में तो हम तुम्हें कहा बता में कमलनाथ जी ऐसे करे कि तुमने एक रूपा जी को काम नहीं जाओ, तो अब जनता से क्या कहे। लोग बात कहते हैं कि उनने पार्टी बदली, और हम आपसे कहते हैं हमने पार्टी नहीं बदली। पार्टी वाले बहुत लोग बीएसपी छोड़ के आपके पास आगे, बीजेपी छोड़ के आपके पास आगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी में हूँ। जिस पार्टी में हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे धूल में से सिंहासन पे बिठा रहा उसका नाम है सुभाष सिंधिया। मैं अपने नेता के सम्मान में और अपने डबरा विधानसभा के विकास के लिए पार्टी मैंने बदली है, और जिस पार्टी में आई हूँ उस दिन से मुझे काम और सम्मान डबरा के लिए मुझे बहुत काम मिला है। चाहे आप जल्दी से जल्दी देख सकोगे, दो चार दिन में 2 करोड़ रुपए पहली किस्त में आ गए हमारे बच्चों के लिए स्टेडियम बन रहा हरिपुर पे और 8 बीघा में, और उसका उद्घाटन सिंधिया जी और मुख्यमंत्री जी और मिश्रा जी वहाँ उपस्थित रहेंगे, उसका उद्घाटन होगा। और आपने देखा 6.5 करोड़ रुपए डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल जल्दी से जल्दी उसका भूमि पूजन होने वाला है, जगह देख ली है, और 2-4 दिन में उसका भी काम बिल्कुल चालू होने वाला है। 6.5 करोड़ रुपए भी आ गए हमारे पिछोर में महाविद्यालय, उसका भी जल्दी से जल्दी भूमि पूजन होगा। और मैं आपसे कह रहे कि जो काम मैं बता रही हूँ आपको, मैंने एक वादा किया है कि भूमि पूजन से मेरा काम नहीं चलेगा, काम चालू हो जाना चाहिए, तो काम चालू होने से काम चलता है। तो आपने भी देखा होगा कि ऐसे झूठे भूमि पूजन हम ना कराएंगे ना करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी थी हमारे पिछोर क्षेत्र में, जो हमारी 84 से लेकर बारकरी जिगनिया नहर के लिए हम 10 साल से लड़े, लेकिन हम बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाए। जब हम यहाँ आए हैं सिंधिया जी जिस पार्टी में हमें लेके आए हैं, वो नहर का भी हमारा काम जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है, और लदेरा का डैम भी बनने वाला है। सारे कामों की हमारी एक एक किस्तें आ गई, और मुझे पूरी तरीके से आपके बीच में कई कांग्रेस के भी आए, ऐसी बात नंगा प्रचार करने आए, पर इतना जरूर पूछ लेना कि 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, इमरती देवी भी कैबिनेट में मंत्री थी, पर कितना पैसा दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मंत्री तो उन्होंने बनाया, किसी को मैदान में अगर लड़ाई लड़ने छोड़ दो और उसकी तलवार छुड़ा लो तो वो क्या करेगा बेचारो जी बता दो। तो इसी तरह का मुझे उनने मंत्री बना के पुतला बना के बिठाया था। जो मंत्री महाराज ज्योतिराव सिंधिया के 6 थे, 6 के 6 में से किसी को उनने एक काम नहीं दिया। कहीं भी काम दिया हो, लेकिन उनने हमारे 6 मंत्री और जितने महाराज के विधायक थे सब दुखी थे, किसी को एक काम नहीं दिया। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पे जितना बनेगा मैं सिर्फ अपने नाम के लिए, और आप बेधड़क होकर किसी व्यापारी किसी दुकानदार किसी अधिकारी लो जाके वोट मांगना, आपकी इमारती को कोई कलंक नहीं बता सकता है 1 रुपए की भी। जहाँ भी जाओगे जहाँ कोई आपको एक जवाब नहीं दे सकता कहीं से कहीं तक। और मैं जब तक राजनीति में रहूंगी ईमानदारी से रहूंगी, आपकी सेवा के लिए रहूंगी, और मैं पूरी तरह से जब तक राजनीति में हूँ आपकी सेवा के बीच में रहूंगी, और आपके सम्मान के लिए मैं हर वक्त लड़ती रहूंगी। धन्यवाद। तुम्हें पता है अगर उन्हें ढूंढेंगे सही तरीके से तो हम अपने मुंह से कहना चाहते हैं कि कांग्रेसी शुद्ध देख ही मिलेगा वो वृंदावन कोरी वही कांग्रेसी है, जाके अलावा 4 बार बदल गए तो वो एक आई है कांग्रेस, फिर बीएसपी, फिर निर्दलीय, फिर बीएसपी, फिर कांग्रेस। और हमें संदीप साहब तुमने देखी मैं पिछले एक तुम नौ से गए तो अब आप बता दो हम ज्यादा धोखेबाज है कि बेधोखेबाज है। हमने अपने नेता का सम्मान किया है और हम अपने नेता के साथ गए हैं, जिस भी पार्टी में उनने भेजा है सम्मानित है,
सम्मान मिल रहा, अच्छी जगह भेजी हमने तो उन्हें कही थी महाराज जहाँ तुम ले जाओगे कुगा में भी पटोगे तो भी गिर जाएंगे, लेकिन अबे पता ही नहीं 6-7 घूम रहे पर जो कहते हैं इमरती गंदार है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इमरती ना तो कभी बिकी है और ना इमरती कभी बिकेगी। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए और ज्योतिराज सिंधिया के सम्मान के लिए इस पार्टी में आए हैं और जिस पार्टी में आए हैं वो पार्टी में मुझे पूरे से पूरा सम्मान मिला, जो मुझे 8-10 साल में सम्मान नहीं मिला, जो सिर्फ महाराज साहब के यहाँ सम्मान मिलता था, जाके अलावा कभी किसी से कोई आदमी से हमारी नमस्ते नहीं भाई। आज तक हमने सोनिया गांधी जी के बगल में नहीं बैठे और जब हम बेंगलोर से आए तो हमारे नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही उन्होंने हमें रुमाल पहनाया तो हमने भाई साहब चलो ये तो अच्छे रहो कि हमें डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए, अभी तक तो कुछ सामने बहुत खुश हुए। तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाओ जो भी जाओ और जिस काम की भी जिम्मेवारी लो तो वो काम ये नहीं कि अपन तीन साल बाद हमें बता रहे, जिस काम की जिम्मेवारी लोगे वो काम हमें तुरंत बताओगे कि हमने फलाने गांव में फलाने काम की जिम्मेवारी ली है तो ये तुम्हें करना है तो हमें भी जल्दी बतावा जाए, तब कहे बड़े बात से अरे हम फलाने गांव में जे के आए थे तुमने करा हुआ है का, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए। तो हम आपको विश्वास दिला रहे कि जनता में जैसे हम खड़े हैं, कछु कछु आदमी कहते कि इमरती देवी कांग्रेस में थी तब कितनी अच्छी थी अब तो एक्शन बदल गए बीजेपी जैसी भाषा हो गई, लेकिन टोटल गलत है। हमने देखा है भोपाल से लेकर दिल्ली तक ना तो बीजेपी की भाषा गलत है और ना इमरती देवी कभी गलत बनेगी, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हमने देखा कि अपने क्षेत्र में पूरा मध्य प्रदेश हमको मंत्री बनवे डरो विधायक बनवे डरो, लेकिन डबरा के क्षेत्र की जनता के बीच में ना तो कभी हम विधायक बन के रहे ना हम कभी मंत्री बन के रहे, हम मंत्री और विधायक अपने भीतर घुसने ही नहीं देते बाहर। तो हम आपका सबका जो भी है जहाँ भी जो भी काम धंधे है और छोटे पूरे काम है चाहे जगत्ती को रोड हो चाहे लोहगढ़ का हो बेरू का हो अपना चिल्ली का जो भी कंचनपुर का अच्छे सारे छोटे छोटे रोड है चितावनी से लिधवारा हो सारे काम 2-3 दिन में ये चालू होने वाले हैं। जो भी काम जो छोटे छोटे टुकड़ा जुड़ने थे जो परेशानी एक गजापुर से अजयगढ़ से बिर्रा अजयगढ़ से बिर्रा और वासे अपने शवना से गोंदा ये सारे रोड हमने जुड़वा गए, इनके काम के पैसा भी आ रहे जल्दी से जल्दी जो भी काम होने वाला और जो भी आपके बीच में जो भी कछु काम हो तो आप मुझे बताएं। तो हम पूरी आपकी आशा पे खड़े उतरेंगे और आप जो भी कहोगे वो हम कार्य करेंगे, हम मंत्री नहीं विधायक नहीं, आप डबरा की एक एक बच्चा एक एक जनता एक एक बुजुर्ग मंत्री है को खुद ही अपना को मंत्री समझे अपने को विधायक समझे, मुझे सिर्फ अपना सेवक समझते रहें। धन्यवाद जय।